that has been the last to be shot in Ukraine right before the situation went in wartime. So I think it's an incredible performance or itna iconic, main kehna chahungi jo itihas is film se juda hua hai. Aaj ek aisi shaam hai that we will give you a glimpse of what all we celebrated, what all we made with some zabardast performance from Vipin, who's the lead actor in the film. Standing tall, everybody, give it up for the people behind it and our special guest on the stage. Rakesh bhai, come और ये मीडिया की तरफ से जो उमड़ता हुआ सैलाब है प्यार का, आई थिंक वी रियली लव इट. थैंक यू. ओपन करो. आज के दौर के अंदर यूक्रेन में जहां आज जंग चल रही है और आज जहां हम प्यार की बात कर रहे हैं, तो इट इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, एक दूसरे को ये एक तरह से कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं. सो मेरी तरफ से तहे दिल से मेरी गुड विशेस साथ में हैं आपको भी, आप सबको, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस फिल्म के साथ, फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर्स, योर स्टार्स और आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं. और मैं इतना ही कहूँगा, भगवान करे, हर फिल्म के पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है. मैंने भी एक दो फिल्में बनाई हैं, हालांकि टेलीविज़न ज़्यादा ही करते हैं, बट मैं समझता हूँ कि फिल्मों के पीछे का दर्द और फिल्म की रिलीज़ से पहले जो आपको एक बेचैनी सी होती है वो ज़रूर है, बट आई एम क्वाइट श्योर कि आपका ये प्यार, आपका ये एफर्ट, ये ज़रूर रंग लाएगा. और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. एंड आई विश ऑन द डेट ऑफ 27 मई, 27 मई का दिन जो 9 का आंकड़ा है, और आप तो नंबर को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, ये एक ऐसा नंबर हो जो बहुत ही लकी नंबर हो फॉर ऑल ऑफ यू एंड फॉर दिस यंग बॉय हु इज़ गोइंग टू बी द स्टार ऑफ टुमारो. सो ऑल द बेस्ट. मैं आप लोगों से आज्ञा लूँगा बिकॉज आई हैव टू लीव, बट ऑल द बेस्ट वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच. सबसे पहले तो मैं विपिन कौशिक जी को, जिन्होंने इस फिल्म के द्वारा डेब्यू किया है, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा. इस लड़के के बारे में मैंने यही कहा था बहुत साल पहले कि मैंने कहा अभी तुम बच्चे जैसे दिखते हो, करीब 3-4 साल पहले की बात है जब मैं गुड़गांव में मिला था इसे. उसके बाद मैंने ये कहा था कि यू हैव ए वेरी ब्राइट फ्यूचर, और आज भी मैं कहता हूँ कि इस लड़के में, जब अमिताभ बच्चन नए नए आए थे तो वो जो झलक है वो इस लड़के में, वो झलक मुझे देखने को मिली. और इस फिल्म के जो आज ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, लव इन यूक्रेन, लव इन लव के ऊपर जितनी भी फिल्में, प्यार के ऊपर जो जो फिल्में बनी हैं अभी तक, वो सभी बहुत बड़ी सुपरहिट हुई हैं. और मुझे पूरी उम्मीद है कि लव इन यूक्रेन भी जो है बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म साबित होगी इस देश में. और अभी जो ट्रेलर देखा है उसमें बहुत अच्छा काम किया है, डायरेक्टर को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है. बहुत अच्छी, बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस शूट की हुई हैं इस फिल्म के अंदर. खैर, लव इन यूक्रेन में आपको लव और यूक्रेन दोनों देखने को मिलेगा, सुंदर यूक्रेन देखने को मिलेगा. लेकिन इसी के साथ मुझे एक चीज़ की वहाँ पे एहसास भी हुआ, जब वहाँ पे अकेले लड़के को अपना देश याद आता है, सबसे पहले अपना देश, तो जब ये जंग छिड़ी और ऑपरेशन गंगा के तहत बाकी स्टूडेंट्स को निकाला गया, तो मेरे ख्याल से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मैं पहला या अकेला एक्टर हूँ इस देश में जो इस दर्द को समझ पा रहा था और इस खुशी को समझ पा रहा था कि सबसे पहले दो देशों की जंग 6 घंटे के लिए अगर कोई देश रुकवा सकता है तो वो भारत देश है. और क्या गर्व, क्या क्या छाती चौड़े हो जाती है जब हम ये महसूस करते हैं. यूक्रेन, रशिया दोनों शांत बैठ गए सिर्फ इसलिए कि भारतीय स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स अपने देश लौट सकें. कमाल की बात थी, मज़ा आया था ये देखकर. इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मेरा धन्यवाद और एक सलाम, जिस हिम्मत से उन्होंने ये काम करके दिखाया था. अब इसमें दो मत हो सकते हैं, लेकिन एक लड़का जो विदेश में है, जो अपने परिवार से नहीं कॉन्टैक्ट कर पाता, अपने दोस्तों से नहीं कर पाता, उसकी उम्मीद एक ही है, आपका देश भारत.
मज़ा आया। ऑपरेशन गंगा जब हुआ मैं गर्वान्वित था मेरे देश के लिए, और यही महसूस मैंने वहाँ पर भी किया। भारत का जब मैं नाम लेता था तो कोई नीचे निगाहों से नहीं बल्कि ऐसे देखते थे कि अरे आप इंडिया से हैं। मैंने कहा जी मैं इंडिया से। और जिस हिसाब का प्यार इस फिल्म को मिल रहा है, पोस्टर लॉन्च होते ही पूरा देश जान चुका था कि लव इन यूक्रेन एक फिल्म आ रही है। बड़ी बड़ी वेबसाइट्स ने इस फिल्म को उठाया जो मेरे ख्याल से नहीं उठाती हैं। न्यूज़ में इवन मैंने ANI की वेबसाइट खोल के देखी तो मैंने देखा बॉलीवुड में लव इन यूक्रेन नहीं थी, तो मैं थोड़ा सा निराश हो गया था। तो मैं ऐसे ही ढूंढता मैंने हॉलीवुड सेक्शन खोला, उसमें लव इन यूक्रेन थी। कमाल था ये, मेरा अब तक का एक्सपीरियंस कमाल रहा है, बेमिसाल रहा है। और जिस हिसाब से आप लोग आए हैं, आप लोग प्यार दे रहे हैं, लग रहा है ये 27 क्या अगले 27 साल तक ऐसा होने वाला है। थैंक यू। इस फिल्म में लव इन यूक्रेन में मैं एज एन रिलीजिंग पार्टनर आई हूँ। तो उससे पहले रिलीज पार्टनर जुड़ने से पहले मैं एक प्रोड्यूसर हूँ। मेरी 3 फिल्में मैंने खुद प्रोड्यूस की हैं, रिलीज़ की हैं। सो मैं एक प्रोड्यूसर का पेन महसूस कर सकती हूँ कि फिल्म बनाना एक लोहे के चने चबाने जैसा होता है, बट उससे भी ज़्यादा जो बहुत ही मेहनत वाला काम होता है। और हर प्रोड्यूसर का एक सपना होता है कि जब वो कोई प्रोडक्ट बनाता है और वो प्रोडक्ट जब बन के रेडी रहता है और रिलीज़ नहीं हो पाता है, तो जो दुख होता है, जो पेन होता है, वो मैंने फील किया। और मैं गुरुजी को बहुत आदर्श मानती हूँ। और जब मुझे बात पता चली कि फ़िल्म रेडी हुई है और विपिन उसमें मेन लीड में है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर वहाँ एक दुख भी था कि फिल्म रिलीज़ क्यों नहीं हो रही है। तो मैंने एक फैमिली बाउंडिंग है हमारी, मैंने बहुत मेहनत की, कुछ प्लानिंग की, और मैंने फिर गुरुजी से कहा कि वी विल रिलीज़ दिस फिल्म। सो एक टीम वर्क है और फिल्म बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, एंड विपिन का काम बहुत ही अच्छा है। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस है, कहती है कि कॉन्फिडेंस है, मुझे बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है कि फिल्म रियली बहुत पसंद आएगी आप सबको। और डेफिनेटली फिल्म हिट होने वाली है एंड विपिन हमारा आने वाला सुपरस्टार है। सो बस एक सपोर्ट है हम लोगों की, और एक फैमिली की तरफ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी कि इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएं, और फिल्म रिलीज़ होने जा रही है। सो आई एम सो हैप्पी। तो वहाँ पर जो भी समस्याएँ आई यूक्रेन में, वॉर था, वॉर के बीच में मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता था, इनकी शूटिंग चल रही थी, तो एक एज पेरेंट्स हमें डर था, उसमें कोई शक वाली बात नहीं, क्योंकि रशिया तो घेरे खड़ा है यूक्रेन को, यूक्रेन में फिल्म शूट हो रही है, तो डेफिनेटली एक डर था। और मैंने डर महसूस किया कि जो बाकी पेरेंट्स हैं स्टूडेंट्स के, कि मेरा जो बेटा है वो तो रियल लाइफ में स्टूडेंट है, एक फिल्म करेगा आ जाएगा। वहाँ पर रियल लाइफ वाले स्टूडेंट्स बहुत सारे थे जो वहाँ पे फंसे हुए थे, और वो उम्मीद कर रहे थे अपने देश से कि हमें किसी तरह हमें भारत देश की धरती पर पांव रखने का मौका मिल जाए। तो एज ए पेरेंट्स मैंने महसूस किया, एज ए स्टूडेंट विपिन ने भी महसूस किया, और उसमें कोई शक नहीं कि हमारे देश की सरकार कितनी सक्षम है, हमारा देश कितना सक्षम है, ये हमें पता तब लगा जब वहाँ पर जो है मिसाइलें गोले वहाँ पर गिर रहे थे और हमारी सरकार उन बच्चों को वहाँ से बाहर निकाल के ला रही थी। तो हम वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं कि हम भारत देश में हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं सबसे पहले तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस पिक्चर के अंदर जो लीड एक्टर हैं, जो विपिन कौशिक, वो हमारे भारत के हैं। इस पिक्चर के अंदर की जो भी मैंने अभी ट्रेलर देखा और जो भी पिक्चर के अंदर जो जो स्टोरी है उसके साथ साथ मुझे सबसे ज़्यादा मैं इस मतलब विपिन कौशिक जी से इंप्रेस इसलिए हूँ क्योंकि इन्होंने जो है उस पिक्चर के अंदर एक्टिंग बहुत अच्छी की है, और जो रोल जो अदा किया है ना वो समझ लीजिए मतलब इतना है कि मतलब लगता ही नहीं है कि इन्होंने जो है अभी ये इंट्रोड्यूस हुए हैं, ऐसा लगता है इन्होंने कम से कम नहीं तो 4-5 फिल्में कर चुके हैं ये। और आगे हमारी जो है शुभकामनाएँ हैं कि ये इसी तरीके से जो है फिल्में करते रहें, और मतलब ये तो डन है कि ये सुपरस्टार बनने से इनको कोई नहीं रोक सकता, और ये बहुत मेहनत के साथ जो है ये काम करते हैं इंडस्ट्री में, और इनके अंदर जो है जिस तरीके से लगन है और हर तरीके का मतलब हर एक चीज़। और सबसे बड़ी बात तो क्या है, ये बॉलीवुड के अंदर जब आए हैं ना तो ये फुल तैयारी के साथ आए हैं। जैसे एक हीरो के अंदर जो कहते हैं कि भाई एक हर एक एक्टिविटीज़ होना चाहिए, मार्शल आर्ट से लेके डांस से लेके, और काफ़ी इन्होंने थिएटर भी किए हैं, तो ये सब मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हर एक एक्टर के अंदर एक खूबी होती है, तो ये सारी खूबियाँ जो हैं विपिन कौशिक के अंदर है। तो मैं एक बार फिर से जो है इनको शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ।